देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। जहां एक तरफ लोग कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन की किल्लत ने डॉक्टरों और अस्पतालों को चिंता में डाल रखा है। लेकिन कोरोना संकट के इस दौर में दुनिया के दूसरे देश भारत की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी लिस्ट में अब इंडियन अमेरिकन टेक लीडर्स और अरबपति भी शामिल हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस कोरोना संकट में भारत की मदद की बात कही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए 135 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। पिचाई ने कहा, भारत में कोरोना संकट के कारण बिगड़े हालात को देखकर चिंतित हूं। गूगल और इसके लोग भारत को चिकित्सा की आपूर्ति में मदद के लिए 135 करोड़ रुपए फंड के तौर पर दे रहे हैं। पिचाई के ट्वीट के साथ एक ब्लॉग का लिंक भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो इस महामारी से लड़ने में कैसे भारत की मदद करेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भी भारतीयों के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सत्य नडेला ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं भारत की वर्तमान स्थिति से बहुत दुखी हूं। मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने में जुट गई है। माइक्रोसॉफ्ट राहत प्रयासों में सहायता के लिए अपनी आवास, संसाधनों और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जारी रखेगा और महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस को खरीदने में मदद करेगा। गिव इंडिया को दिए गए इस फंड से उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी जो कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्च उठा सके। इसके बाद यूनिसेफ के जरिए ऑक्सीजन और टेस्टिंग उपकरण सहित दूसरी मेडिकल सप्लाई दी जाएगी। गूगल के कर्मचारी भी भारत के लिए चिंता इकट्ठा करने के लिए अभियान चला रहे हैं। अभी तक 900 गूगल कर्मियों ने 3.7 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया है। इसके अलावा अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए सहमति जता दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन कोविड 19 महामारी से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को तत्काल कच्चा माल उपलब्ध कराने को लेकर दिन रात काम कर रहा है। आपको बता दें कि रविवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर फोन पर बात हुई, जिसके बाद कच्चे माल की सप्लाई को लेकर अमेरिका की ओर से ये बयान सामने आया है। कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे भारत की मदद के लिए अब अमेरिका, फ्रांस और कनाडा समेत कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच रहे हैं। एयर इंडिया का विमान 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ दिल्ली पहुंच रहा है। अमेरिका ही नहीं, यूके ने भी भारत की मदद के लिए 600 से ज्यादा जरूरी चिकित्सा उपकरण भेजने का फैसला किया है। इनमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल होंगे। वहीं मुश्किल की इस घड़ी में यूएई भी भारत के साथ खड़ा है। यूएई ने बुर्ज खलीफा को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया और संदेश दिया, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया।